ऑटोमेटिकली टूट जाता है, ऑटोमेटिकली। ये गाइस इस सेबर दूध की पावर। बाकी मैं इसकी लेवल अप कर लूं यार जल्दी जल्दी। बॉय नहीं, इसी बात का डर था, इसी बात का। तो हेलो गाइस, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी लोग? और गाइस स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आप सभी के लिए एक और नया एपिसोड गाइस, आर्क सर्वाइवल द बॉल का, आर्क डू ओर डाई का। और आज का आर्क डू ओर डाई का जो एपिसोड है वो शुरू करने से पहले जो नए बंदे होंगे चैनल पे, फटाफट से गाइस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को ना सब्सक्राइब जरूर से कर देना गाइस। हमारा जो है ना 3,15,000 सब्सक्राइब का गोल है, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके वो सब्सक्राइब को गोल कंप्लीट करने में हेल्प कर देना यार तुम्हारे भाई की। और गाइस नीचे डिस्क्रिप्शन में ना आपको लिंक मिल जाएगी गेमिंग विद एनी के चैनल की। एनी के चैनल पे ना डेली गाइस हमारी 5 आर्क की वीडियोस अपलोड होती है, और साथ में उनके चैनल पे डेली 11:30 बजे फ्री फायर की लाइव स्ट्रीम भी होती है। अगर आप मेरे साथ और एनी के साथ फ्री फायर खेलना चाहते हो तो गाइस ज्वाइन कर लेना उस लाइव स्ट्रीम को डेली 11:30 बजे। गेमिंग विद एनी के चैनल का लिंक आप लोग को मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से जरूर चेकआउट कर लेना एनी मैडम जी के चैनल को। बाकी हम लोग जो है ना गाइस यहाँ पे एक नया पीसी बिल्ड कर रहे हैं, क्योंकि हमारे ये वाला जो पीसी है गाइस उसके प्रोसेसर की बैंड बच चुकी है, तो उसके लिए हमारा जो लाइव स्ट्रीम है ना उस पर भाई एक गोल भी चल रहा है। तो लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करके अगर आप कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हो हमारे न्यू पीसी बिल्ड में, तो जरूर से ज्वाइन करके कॉन्ट्रीब्यूट कर लेना। लाइव स्ट्रीम डेली हमारी जो है गाइस 2 से 3 बजे के बीच में शुरू हो जाती है। बाकी अभी आज का एपिसोड बिना किसी देरी के शुरू करते और फुल टू तबाही मचा डालते, लेट्स गो गाइस। बाकी आज जो है ना हम मिथिकल वाले थोड़े डायनोस पकड़ने वाले हैं गाइस, क्योंकि किबल जो है ना गाइस अल्फा वाले डुओडाल वाले डायनोस जो है ना हमारे क्यू प्लस वाले, वो पकड़ने के लिए किबल अभी तक हमारे पास जो है ना गाइस जमा नहीं हुई है। किबल जो है गाइस मतलब किबल हम बना नहीं सकते, क्योंकि किबल बनाने का जो काम है पिछले एपिसोड में मैंने कंप्लीट कर लिया था। मतलब जो किबल बनाने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए होती है, प्लांट चाहिए होते हैं, वो मैंने यहाँ पे फार्मिंग के लिए डाल दिए है, लेकिन इनको उगने में थोड़ा सा और टाइम लगने वाला है। ठीक है, इसका मतलब अब पकड़ के चल लो, कल वाले एपिसोड तक हमारे किबल बन जाएंगे, और कल वाले एपिसोड से क्यू प्लस वाले जो डायनोज है वो टेम करना हम लोग शुरू करने वाले। बाकी आज का एपिसोड ना शुरू करने से पहले और आगे बढ़ने से पहले शाउट आउट दिया जाए गाइज। शाउट आउट किसको? तो गाइज डेली जो हमारी वीडियोज अपलोड होती है उस वीडियो में सबसे फर्स्ट जो आके कमेंट करते हैं हमारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर, उनको हम देते हैं शाउट आउट। तो कल वाली जो गाइज हमारी वीडियो नहीं थी भाई क्योस डोडो वाइब्रेंट को टेम करने वाली, उसमें सबसे पहले कमेंट करा था यहाँ पे प्रिंस भाई ने, तो प्रिंस भाई जो है गाइस उनका और आगे जो उनका नाम है ना वो गलत ले लूंगा इसलिए मैं भाई को प्रिंस भाई बोल रहा हूँ। तो उनका जो कमेंट है ना वो आप लोग को गाइस यहाँ पे ऊपर दिख जाएगा, उन्होंने लिखा आई एम फ्रॉस्ट, यस मतलब वो बोलना चाहते हैं फर्स्ट। और इसके नीचे ही ना हमारे एक भाई ने भी उनका कमेंट भाई वो फिक्स करा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ऊपर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो भाई बोलना चाहते हैं आई एम फर्स्ट प्रिंस भाई, यस आप फर्स्ट आए हो वीडियो पे, थैंक यू सो मच फर्स्ट आने के लिए और फर्स्ट कमेंट करने के लिए। एंड अ बिग 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 शाउट आउट टू यू प्रिंस मेरे भाई, एंड लव यू प्रिंस ब्रदर। अगर आपको भी प्रिंस भाई की तरह शाउट आउट चाहिए तो कुछ नहीं करना है, जब भी वीडियो अपलोड होती है सबसे फर्स्ट आइए, सबसे फर्स्ट कमेंट कीजिए और हमारे प्रिंस भाई की तरह शाउट आउट लेके चले जाइए। तो धन्यवाद प्रिंस भाई सबसे फर्स्ट आने के लिए और सबसे फर्स्ट कमेंट करने के लिए, आपका वेरी वेरी थैंक यू भाई, एंड शाउट आउट टू यू प्रिंस ब्रदर। बाकी आज मैं क्या करूंगा पहले पता है, ये देखो इस सेबर दूध की मैं आपको पावर दिखाने वाला था। और वैसे पिछले एपिसोड में इन 3 मिथिकल डायनोस की मैंने आपको पावर दिखाई थी, आज के इस एपिसोड में इस सेबर दूध की मैं पावर आपको दिखाऊंगा, लेकिन भाई को पहले पैसिव करेंगे, मुझे एक और सेबर दूध जो है ना गाइस वो पकड़ना है, और वो जो है ना गाइस यहाँ पे स्पॉन भी हो रखा है, मैंने इधर ही देखा है, वो देखो गाइस मुझे वो वाला सेबर दूध चाहिए गाइस। ये सेबर दूध भी वेरी वेरी डेंजरस सेबर दूध है, ये देखो ब्लू आई हिप्नोटाइज करती है मेनू, ब्लू ब्लू छोड़ रहा है भाई, हीलिंग पोशन पीते रहे ना, नाइस भाई तुम भी आ रहे हो, आ जाओ भाई, दोनों को बेहोश कर लिया मैंने, लाड में आ रहे थे भाई, है अपन से पंगा पड़ गया ना महंगा, सुपेरियर और तेरे को कौन सा, तेरे को रेगुलर किबल, तो तेरे को रेगुलर किबल खिलाता मैं, अरे रेगुलर किबल बनाने के लिए मेटल ही नहीं है मेरे पास यार, मेटल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, रुको जल्दी जल्दी मेटल गाइस कलेक्ट कर लूँ और इन दोनों को टेम कर लेता हूँ। वैसे एलियन वुल्फ मेरे पास पहले से पड़ा हुआ है,
उसको भी टेम कर लेता हूँ, किसी हमारे सब्सक्राइबर को गिफ्ट कर दूंगा। हाँ, बाकी एक चीज बताना भूल गया, ये सर्वर जो है इस मेंबर ओनली सर्वर है। आप इस सर्वर में आके मेरे साथ खेल सकते हो, मेरे ट्राइब में आ सकते हो। हाँ, ट्राइब में आने के लिए आपको एक हफ्ता कम से कम सर्वर में खेलना पड़ेगा रेगुलर। और गाइज आप जो है गाइज यहाँ पे सर्वर में मेरे साथ खेल के वीडियोस वगैरह भी बना सकते हो। तो अगर आपको मेरे साथ यहाँ पे सर्वर में खेलना है तो उसके लिए आपको चैनल पे मेंबर बनना पड़ेगा। तो लाइव स्ट्रीम जब हमारी होती है तो ज्वाइन कर लेना और उस टाइम पे मेंबर बन जाना गाइज, ठीक है। और उसके बाद आप हमारे इस सर्वर में आके साथ में खेल सकते हो। तो हमारे साथ जो है ना गाइज यहाँ पे इस सर्वर में काफी सारे हमारे सब्सक्राइबर खेलते रहते हैं, तो उनको ना थोड़ी सी हेल्प की भी जरूरत पड़ती है कभी कभी। तो इसलिए जो है ना गाइज मैं उनके लिए थोड़े एक्स्ट्रा डायनोस भी पकड़ रहा हूँ ताकि मैं उनको डायनोस दे सकूँ। यार उनको हेल्प करना जरूरी है यार, क्योंकि मॉड जो मैंने इसमें डाला हुआ है ना वो बहुत खतरनाक मॉड है भाई, क्यू प्लस वाला मॉड। तो उसके लिए गाइस यहाँ पे मैं रेगुलर केबल, हाँ ये जो एलियन वुल्फ है ना वो एक्स्ट्रा पकड़ के रख लेता हूँ मैं, ठीक है, काम आ जाएगा हमारे काफी ज्यादा। हम हमारे सब्सक्राइबर को दे देंगे गाइस वो। यार कितना ज्यादा और मेटल लेके आऊं मैं, कितना मेटल और लेके आऊं, ये ले भाई रुको, और मेटल चाहिए बोल रहे भाई। यार कितना मेटल लेके, हमारे पास टीम हेल्पर ही नहीं है, टीम हेल्पर बनाने पड़ेंगे अभी, रुको टीम हेल्पर बनाने पड़ेंगे। ये ले भर भर के भाई मेटल कलेक्ट करा है, अभी तो टीम हेल्पर बनना ही चाहिए यार किसी भी कीमत पर। ए भाई मेरे डायनोस को नहीं मारना रे, चेप डालूंगा वरना। हाँ डीलो शांति से घूम रहा है, वापस घूम ले बेटा, मेरे डायनोस से पंगा नहीं, ठीक है हो जा बेटे। Oh yes! तो ये हो गया गाइस हमारे टीम यहाँ पे प्यारा प्यारा सा सेबर टूथ, और ये हमारा एलियन वुल्फ है, और लेवल थोड़ी सी कम है यार एलियन वुल्फ की ये वाले, बट चलो कोई ना भाई, ये हमारा एलियन वुल्फ भी टेम हो चुका है। लेट्स गो बल्ले बल्ले दे शावा शावा चावा शावा दे बल्ले बल्ले, ठीक है। चलो अभी जल्दी जल्दी हम चलते हैं हमारे घर पे, और घर पे चल के हमारा जो काम है आगे का वो कर देते हैं यहाँ पे शुरू। टेमिंग तो हो गई यार, टेमिंग तो हो गई है, ठीक है। और एलियन वुल्फ में, अच्छा रुको मैं आपको सारे के सारे ना मिथिकल वाले डायनोस ही दिखा दूँ ना, ये क्या चीज़ है, मिथिकल एलियन वुल्फ है मेरे पास। हाँ ब्लास्टिक फ्लेम रोज तो मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ी हुई है ना, हाँ मिथिकल सेबर तो एक पड़ा हुआ है अभी, मिथिकल सेबर तो दूसरा वाला, दो अलग अलग है भाई। फ्लेम रोज है, एलियन वुल्फ है, स्टार जू है, और स्टार अच्छा ब्लास्टिक एम्परर, इतने ही है भाई ना, ठीक है। रुको मैं इनको निकाल के आपको मेरी मिथिकल वाली जो आर्मी है ना गाइस वो दिखाता हूँ मैं, ठीक है। आर यू गाइस रेडी, ओए एलियन वुल्फ, ओए मिथिकल सेबर टूथ। एंकुलो भाई एक मिनट, आ एंकुलो भाई को रिवर्स मोड पे डाल दो थोड़ा। ओ यहाँ पे फीडर नहीं लगा रखे, मुझे फीडर भी लगाने यार थोड़े। एंकुलो भाई रिवर्स मोड पे नहीं जाओगे, इधर अंदर जाओ ना यार एंकुलो भाई, थैंक यू एंकुलो भाई, एंकुलो भाई को यहाँ पे रख देता हूँ और साइड में टेक वाले फीडर लगा देता हूँ, रुको गाइस थोड़े, क्योंकि अपने डायनो जो है उनको भूख तो लगती है ना यार, बेचारों को भूख लगती है तो उनको खाना भी तो मिलना चाहिए ना, तो टेक वाले फीडर दो लगाऊंगा मैं, एक नहीं दो, ठीक है। ये दो जो हैं वो फीडर में यहाँ पे लगा देता हूँ टेक वाले, रुको। और आपको आर्मी भी दिखाने है ना, आर्मी भी दिखाता हूँ, रुको यहाँ पे ये हमारा आखिरी वाला, अच्छा वो सेबर तूथ उधर ही डाल देता हूँ ना, दो सेबर टूथ है, और दोनों ही जो सेबर टूथ है ना वो अलग अलग है, इनके पास पावर अलग है, इनका लुक अलग है, पर दोनों दिखने में काफी ज्यादा खतरनाक है। रुको आपको दिखाओ, पहले मैं यहाँ पे फीडर लगा दूं गाइस अच्छे से, ये हम भाई पूरा टेक वाला घर बनाएंगे यार, पैसों की टेक भाई, एलिमेंट की कमी नहीं है गाइस, एलिमेंट की कमी नहीं है गाइस, एलिमेंट की कमी नहीं है। ओह यस ओके, अभी यहाँ पे बेरीज डाल देता हूँ मैं, थोड़ी बेरीज डाल दो ना, थोड़ी बेरी जो हमारे डायनोस खा पाए उसके लिए मैं थोड़ी बेरी डाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इस वाले में मैं डाल दूंगा बेरी, और उस वाले में डाल दूंगा मैं मिड गाइस, ठीक है ये लेवल, तो हमारे डायनो जो भूखे नहीं मरेंगे एटलीस्ट। और इसमें डालूंगा मैं मीट, मीट अब मीट नहीं है ज़्यादा मेरे पास, ये मीट है क्या किसी के पास भाई, ऊपर होगा लेकिन ऊपर तो कुक्ड मीट रखा हुआ है मैंने, वो तो कुक्ड हो गया होगा पूरा, हाँ चलो कुक्ड मीट खा लेना भाई अभी, ठीक है फिलहाल के लिए, क्योंकि रॉ मीट जो है गाइस वो मेरे पास नहीं है अभी, यहाँ पे रॉ मीट अवेलेबल नहीं है, थोड़ा कुक्ड मीट जो है गाइस वही डाल देंगे। बाकी यार टेक वाला घर यार काफी खूबसूरत तो लग रहा है भाई, कुछ भी बोलना, यहाँ पे रुको गाइस कुक्ड मीट डाल देता हूँ,
भाई कुक्ड करा हुआ मीट खिलाऊंगा मैं भाई अपने डायनोस को, मजाक थोड़ी है। लेट्स गो गाइस। तो अभी यहाँ पे खाने पीने का जो जुगाड़ है हमारे डायनोस का हो चुका है। अभी मैं आपको अपनी मिथिकल आर्मी दिखाता हूँ। ये देखो, ये एलियन वुल्फ, ये स्टार जुई, ये स्टार यू, फ्लेम रोज, मिथिकल सेबरटूथ एंड मिथिकल सेबरटूथ, ये हमारी मिथिकल डायनो की तगड़ी वाली आर्मी। तो गाइस इस आर्मी के लिए जल्दी जल्दी लाइक करें, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें मेरे और गेमिंग विद एनी के चैनल को, ठीक है। बाकी अभी सबसे पहले इस वाले सेबरटूथ के आपको मैं पावर दिखाता हूँ। मैंने आपको इसके लुक तो दिखा दिए थे पिछले एपिसोड में, वंस अगेन दिखा दूँ, ये जो सेबरटूथ है पूरी तरीके से मेटल से बना हुआ है। इसकी हर एक चीज़ मेटल की है, यस यस समझ रहे हो, वो भी मेटल का ही है गाइज, दांत भी मेटल के, आग भी मेटल की, इसकी मूछें जो है ना गाइज वो भी मेटल की है भाई, इसके नाखून भी मेटल के है, और ये जो ना गाइज एंशियंट भाई वकांडा मेटल से बना हुआ है भाई, वाइब्रेनियम से बना हुआ है भाई ये, ठीक है। और अभी यहाँ पे मैं आपको इसकी पावर दिखाने वाला हूँ, मतलब अटैक कौन कौन से वो दिखाने वाला हूँ। राइट क्लिक पे बाइट अटैक है, लेफ्ट क्लिक पे बाइट अटैक है, सी पे, एक्स पे, कंट्रोल पे, क्यू पे, आर पे, कोई अटैक नहीं है, बस दो ही अटैक है इसके पास, दो नहीं पकड़ के चलो एक ही अटैक है जो कि यहाँ पे इसका बाइट वाला अटैक है, ठीक है। और अभी मैं इसकी लेवल अप करके आपको इसका डैमेज शैमेज दिखाने वाला हूँ। इसके नीचे क्या है ये, वो इसके मुँह के नीचे ऐसा ये सर्कल सर्कल घूम रहा है, ये क्या चीज़ है यार, ये कौन सा पोर्टल घूम रहा है यार इसके मुँह के नीचे। बाकी लुक तो बढ़िया दे रहा है ये इसको, हाँ लुक तो खतरनाक वाले ही दे रहा है भाई ये सर्कल। चलो आ जाओ भाई, देखते भाई इसका डैमेज वैमेज जो है गाइस वो कितना जाता है। अभी फिलहाल के लिए मैं जा रहा हूँ इसको लेके अभी यहाँ पे, ठीक है। इसका डैमेज वगैरह चेक करेंगे भाई, ठीक है, कितना जा रहा है करके 2000। अरे यार डैमेज तो ज़्यादा नहीं जा रहा यार इसका, जंप तो भाई काफ़ी ज़्यादा लंबी जंप मार रहा है यार ये, जंप पे तो लंबी मार रहा है। अब आप बोलोगे यार तुम मतलब वो क्या बोलते हो उनको, तुम्हारे बेस के आजू बाजू न्यूको पिको वाले डायनोस नहीं घूम रहे। तो गाइज मैं बता दूँ, वाइकिंग बे छोड़ के अगर मैं बाहर जाऊँगा ना इधर उधर, इतने खतरनाक डायनोस मिलेंगे ना, एक फटके में मार दे मेरे को और मेरे सेबरटूथ को भी। ये जो हमारे बेस के, ये जो वाइकिंग बे पे मैंने बेस बनाया है ना, ये थोड़ी सी सुरक्षित जगह है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। ओ कामिकाजी, ये ले कामिकाजी, ये और भाई क्लास हो गया यार कामिकाजी, तो भाई कामिकाजी वाले डायनोस घूम रहे यहाँ पे, तो ये काफ़ी खतरनाक लोकेशन। हमारा जो वाइकिंग बे है ना वो थोड़ी सुरक्षित भाई बेस है भाई, सुरक्षित जगह है भाई। बाकी जितनी भी अगर आप जगह देखोगे तो वहाँ पे खतरनाक वाले जो ना गाइस डायनोज फियर बियर वाले न्यूको वाले घूमते रहते हैं, तो इसलिए गाइस यहाँ पे मेरे बेस के आजू बाजू आपको ये डेल्टा विल्टा जो नॉर्मल डायनोज है वही देखने को मिलेंगे, क्योंकि हम लोग ने थोड़ा सा भाई सेफ लोकेशन पे हमारा बेस बनाया है भाई। डैमेज देखना भाई, मैं नहीं हूँ भाई, हेलो, बहुत गंदा डैमेज दिया इन लोग ने। और एक और चीज आपने नोटिस करी अभी यहाँ पे, यहाँ पे जो है ना गाइस अगर ये किसी पेड़ वगैरह को टच करता है ना या पत्थर वगैरह को टच करता है तो पेड़ और पत्थर जो है गाइस वो ऑटोमेटिकली टूट जाता है, ऑटोमेटिकली। ये गाइस इस सेबरटूथ की पावर। बाकी मैं इसकी लेवल अप कर लूँ यार जल्दी जल्दी, इसी बात का डर था भाई। मैंने अभी बोला था मैं बहुत सुरक्षित जगह पे हूँ, अभी जस्ट बोला था भाई, इसकी आंख पड़ोते लग गई यार, फियर वाला फ्यूम ही आ गया वहां पे। अभी थोड़े टाइम पहले बोला था कि हम बहुत ज्यादा सुरक्षित जगह पे है भाई, ये तो भाई वो धमाल वाली सीन हो गई कि आप अभी हम बहुत ज्यादा इस दुनिया के सबसे सुरक्षित जगह पे हो। नहीं, भगवान, एक हाँ रेत तो टपक गया भाई, फियर के सामने उसकी कोई औकात ही नहीं थी पहली बात। मेरा सेबर तूत भाई इतने मुश्किल से तो टेम करा था यार उसको। आपने जिंदगी झंड हो चुकी है भाई, कुछ और बोलने वाला था बट क्या ही बोले भाई यार, भाई कितनी मुश्किल से मिला था वो सेबरटूथ पता है। आज अब अभी दूसरे सेबरटूथ की पावर दिखाता हूँ आपको, मेरा एक सेबरटूथ तो मारा गया भाई। ए भाई ट्रैकर डाले यार इनके अंदर पहले ट्रैकर डालो यार, मैं इनको गंवाना नहीं चाहता हूँ फालतू में, ट्रैकर डाल देता हूँ उनको भेज किया। इस बार मैं उधर लेके चलता हूँ भाई इसको, ठीक है। ये रहा हमारा सेकंड सेबरटूथ,
भाई वो सेबर दूध मर गया, बुरा लग रहा है मेरे को बहुत ज्यादा। उस बियर को मैं कुछ भी नहीं कर सकता जाके, अभी प्लास्टिक इम्प्रेर नहीं निकालूंगा, उसको रखते है गाइस बैकअप के लिए, ठीक है। चलो इसके अभी अटैक दिखाता हूँ इस सेबर दूध के, ठीक है। ये भी मिथिकल सेबर दूध है, राइट अटैक है भाई के पास नॉर्मल, और लेफ्ट क्लिक पे इसके पास जो अटैक है ना बाइट पंजे वाला, इसमें ब्लू कलर का कुछ तो फेंक रहा ही है, ऐसा इफेक्ट छोड़ रहा है भाई, कलरिंग फेंक रहा है भाई अपने पंजों में से, होली में खेलने के लिए आया लग रहा है मेरे को ये, ठीक है। सी पे, एक्स पे, कंट्रोल पे, क्यू पे कोई अटैक नहीं है, तो इसके पास बाइट अटैक है और ये रंग छोड़ने वाला अटैक है भाई, पंजा मारने वाला अटैक। बाकी इसका लुक ना, ओई होई 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 होई, लुक काफी खतरनाक है। पूछ पे आर्मर लगा है, पैरों पे आर्मर लगा हुआ है, बॉडी पे आर्मर लगा हुआ है, आके देखो ब्लू ब्लू लग रही है, लुक एक नंबर है गाइस इस सेबर टूथ का। गाइस अभी इस सेबर टूथ के ऊपर बैठ के हमारा मिशन क्या रहेगा बताए, जो हमारा मरा हुआ सेबर टूथ है उस सेबर टूथ को यहाँ पे हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। आज के इस एपिसोड में मुझे टेम करना है गाइस उसको, मुझे पता नहीं भाई कहाँ से कैसे कैसे क्या क्यों कैसे होगा पता नहीं भाई, ठीक है। मुझे उसको टेम करना है भाई, उसकी लंबी जंपे जा रही है भाई, लंबी लंबी इसकी भी जंपे जा रही है, मेरे को पता नहीं है। मैं उस सेबर दूध को ढूंढ के रहूंगा भाई। कौन सा वाला, एक्सलेटेड ना, एक्सलेटेड से खतरा नहीं है ज़्यादा, हाँ एक्सलेटेड से खतरा नहीं है, ये फियर शेयर से दूर रहना भाई, औकात दिखा देंगे वरना मेरी भाई। 90 डैमेज, इतना ज्यादा डैमेज क्यों दे रहा है भाई तू, हाँ भाई तू भी आ जा भाई, 90 डैमेज दे रहा है यार, शर्म आती है तेरे को सेबर तू भाई, 90 डैमेज ये भी मार देगा आपको, क्या कर रहा है भाई। होली का रंग छोड़, 300 होली के रंग वाले अटैक, 300 डैमेज से ना मर जाओ इसकी में, चीजें लेके भाग रहा है वो, अबे चीजें लेके भाग रहा है मेरी चोटा भाई। 20 लेवल पॉइंट रुक, अब बिड़ी करके देता हूँ, अभी 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 डैमेज देख मेरा, होली का कलर जो फेंक रहा है ना उसका अटैक ज्यादा है, 3000 डैमेज है। रुको पहले, अरे यार वो चोटा भाग गया यार लेके, मॉन्स्टर मैं नहीं हूँ भाई, मैं नहीं था भाई, भाई 1 मिलियन हेल्थ है इसकी भाई। मैंने क्यों बोला गाइस कि हम सबसे सुरक्षित जगह पे हैं भाई, मेरे बोलते मेरी पीटी बन रही है, पीछे साइड मॉन्स्टर खड़ा है, आगे साइड फियर खड़ा है, एक साइड में पानी है, दूसरे साइड में भी पानी है भाई, ब्लू ऑब्लिक पे जा रहा हूँ मैं, लेकिन इसको मैं बचाने में सक्सेसफुल हो गया भाई, वो मॉन्स्टर्स के हाथों मरने नहीं दिया मेरे सेबर टूथ को, मैं जा रहा हूँ ब्लू ऑब्लिक पे भाई, ब्लू ऑब्लिक इस दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह है गाइस अभी, ठीक है। चलो ब्लू ऑब्लिक पे चलते हैं, हमारा बेस थोड़ा सा यार खतरनाक बन चुका है अभी लग रहा है कि मिथिकल सेबर टूथ मेरे पास एक और है क्या, सेबर टूथ नहीं यार एक ही है मेरे पास, एक ही है भाई मिथिकल सेबर टूथ, ये वाला ही है, वो दूसरा वाले भी तो एक ही मिला था मेरे को, वो तो मार दिया भाई वो चमन ने, उसको मैं पकड़ूंगा गाइस, मुझे जहाँ मिलेगा ना वहाँ मैं उसको पकड़ जरूर लूंगा भाई, उसका टेंशन नहीं है गाइस, उसको पकड़ लेंगे आप लोग, हाँ नो प्रॉब्लम। अभी आप हैं, अच्छा रुको मीट कुक्ड वाला है खाने के लिए, नहीं है छोड़ो, यहाँ पे इसका डैमेज भाई 1.5 लाख वाले डायनो है, 5 लाख वाला तो एपेक्स कछुआ है, वो भी मेरे बैंड बजा देगा, इसको मार देता हूँ। ये देखो मैंने यहाँ पे टॉयलेट लगाया था फर्टिलाइजर निकालने के लिए, अभी भी लगा हुआ है देखो, ये देखो गाइस ये फर्टिलाइजर लगाने के लिए निकालने के लिए मैंने टॉयलेट लगा रखा था यहाँ पे, ठीक है रुको इसकी हेल्थ थोड़ी बढ़ा देता हूँ ना, एटलीस्ट मरे ना किसी के हाथों एटलीस्ट भाई, ठीक है ये चीज़ हो भाई। प्राइम वाले को मार पाऊंगा मैं, प्राइम वाले को मारना थोड़ा डिफिकल्ट है यार, मेरा डैमेज ज़्यादा है, बाइट अटैक ना 1700 और ये वाला 3000 आ रहा है, डैमेज ज़्यादा नहीं जा रहा भाई। इतना कैसे डैमेज दे रहे हो तुम, अबे शर्म करो भगवान से डरो। एक मिनट अब बीड़ी करके देता हूँ भाई, इसको एफएमके वाला पोशन खिला दूँ, इसको एफएमके पोशन खिला दूँ, खा ले भाई। अरे मिथिकल डायनो के ऊपर वर्क नहीं करता एफएमके पोशन, भूल गया था 16000 क्यों हीलिंग, अबे हीलिंग भी खत्म मेरी यार, मेरी जिंदगी जड़ हो रखी है भाई, ए ले आजा, सॉरी सॉरी मेरी हीलिंग भी टाइम रेंज खत्म हो गई, मरने वाला था ये भी भाई, ये भी मरने वाला था,
बाल बाल बचे मरते मरते, मौत को चूके टक्के से वापस आया ये। अबे यार क्या चल रहा है मेरे साथ आज, मुझे लग रहा है आज मैं सारी डायदो बर्बाद होगा क्या मेरे, क्या हो रहा है कैसे भाई। भाई रुक जाओ भाई, 500 हीलिंग बना ले, ये हीलिंग भाई अगर खत्म हो गई तो बैंड बच जाएगी। ऑटो हीलिंग है सिर्फ उसके पास, और उसके ऑटो हीलिंग के लिए उसको एक सेकेंड तक भाई किसी से भी मार नहीं खाना है, तब जाके उसकी ऑटो हीलिंग वर्क करती है। रुको अभी उस ट्राइक को दिखाता हूँ, स्लीप किंग कॉर्नर को, भाई बहुत मार रहा था ना ट्राइक उसके, अभी ना बैंड बजा देना यार। क्या हीलिंग है इस बार, मैं हीलिंग लेके आओ, मैं हीलिंग इसको ऐसा ना हो तो इसलिए हेल्थ में डालिए, थोड़ी लेवल अप पॉइंट थोड़े हेल्थ में डाल दे मैंने इसके, ठीक है आ जाओ भाई। अभी अभी इसका थोड़ा सा जो ना डैमेज शैमेज चेक करते हैं हम लोग, रुको थोड़ा डैमेज शैमेज इनको तो ऐसे डर लग रहा है मुझे प्राइम एंड के नजदीक जाने से, वन शॉट ना उड़ा दे यार इसको। ये मुझे पसंद आया सेबरतूथ, इसका लुक बढ़िया है, इसको चलाने में मजा आ रहा है, मेन चीज वो है भाई, इसको चलाने में बहुत मजा आ रहा है। इसके 1,00,000 लगभग हेल्थ का भाई लेवल अप ही ना हो रही है, जल्दी जल्दी भाई 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 सब आके मारते लेवल अप करने तगड़ी वाली भाई की, सबको मार मार के लेवल अप करेंगे, सबको मार मार के लेवल अप करेंगे। कितनी 1 लेवल अप आई है, एक नहीं ज्यादा लेवल अप आने दो, थोड़े एक साथ लेवल अप दूंगा मैं इसको, ठीक है। येलो वाला घोड़ा है नहीं यार, वो सेबरतूथ नहीं है क्या मेरे को जो चाहिए, मेरे को वो वाला सेबरतूथ चाहिए मिथिकल वाला यार, वो अभी यहाँ पे है नहीं खेलता। ये देखना हमारे सब्सक्राइबर का घर भी है गाइस यहाँ पे सामने की तरफ, ये कौन सा घोड़ा है, ये कौन सा घोड़ा है ये भाई, हट रहा भाई फायर वाले हट यहाँ से, फायर वाले को मारना पड़ेगा वरना ये टेम करने नहीं देगा यार उस घोड़े को, वाइट कलर का घोड़ा है भाई, सात सिंपल की बल यार, इसको टेम होने में टाइम लगेगा, इसको बाद में ही टेम कर लेता हूँ छोड़ो यार, टेमो के बच्चे। अभी भी बस एक लेवल अप पॉइंट आया है भाई, सिर्फ एक लेवल अप पॉइंट, मेहनत करके भी ठीक है यार, नो प्रॉब्लम। 85,000 मैंने हेल्थ कर दी है ताकि एटलीस्ट एक फटके में ना मरे, और यहाँ पे ब्लड वगैरह हार्ट वगैरह जो है वो उठा रहा हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे बहुत खतरनाक डायनो हो सकते हैं ऊपर, संभल के, यहाँ पे फियर वगैरह घूम रहे थे, थोड़ा संभल के रहना है भाई, भाई कहीं पर लेने के ना देने ना पड़ जाए भाई, कोई बॉस तो है उसको मारने का मन कर रहा है, बट कोई फियर बियर ना निकले यहाँ पे। अच्छा यार लड़की बॉस है भाई, मैडम जी नॉट टेमेबल है गाइस, ये मैडम जी जो ना कि जो नॉट टेमेबल है, मुझे पहले इसको टेम करना था बट ये नॉट टेमेबल है भाई, अब भी नहीं कर भाई, स्पेयर मार रही है भाई मेरे अंदर,
देखना कितने सारे स्प्रेयर मार रखे इसने। मार दूंगा वैसे इसको मैं भाई, देखते इसको मारने से ना हम लोग को क्या मिलता है। देखो ये अपने डायनोस को बुला सकती है, देखो डिलोसॉरस को बुला रही है ये। बट अफसोस अभी इसकी पेटी बनने वाली है, ठीक है। इसकी हेल्थ ज्यादा नहीं बची, कितनी बची? 80,000 हेल्थ भाई, 3,00,000 हेल्थ थी इसकी, 3,00,000। अभी बस 80,000 हेल्थ बचने वाली है। मर जाएगी, मर जाएगी मैडम, मर जाएगी, मर जाएगी, मर जाएगी, मर जाएगी, मर जाएगी। कुछ मिला नहीं मिला। अरे उसका टेनेबल ओरिजिन्स ये क्या स्पॉन हुआ? डेल्टा ट्रांजिशन 1,000,000 हेल्थ। ओए ओ शिट, अबे भाई, अबे भाई, नहीं सॉरी सॉरी, गर्ल पावर दिखा दी इन लोगों ने मेरे को, गर्ल पावर दिखा दी अपनी भाई। बहुत गंदा मार रही है वो, मैं नहीं जा रहा हूँ उसके। हम शौली बाबू, हम शौली बाबू, ठीक है भाई। तो अब इतनी सारी लड़कियां स्पॉन कर ली, देखना हेड पे इसके स्पेयर मारे हुए हैं, वेरी वेरी डेंजरस। बट वो जो स्लीपर तू चाहिए वो कार में, इधर नहीं जा रहा हूँ, इधर बहुत खतरा है, इधर जाऊंगा तो मौत ही मिलेगी मेरे को। नीचे भी पैसे लिखे खतरनाक वाला, मुझे नहीं लग रहा है कि आज हमको सेबरतूत मिलेगा। चलो कोई ना, हम एक काम करेंगे, हमारी लाइव स्ट्रीम जो होती है ना गाइस, उन लाइव स्ट्रीम में हम लोग जो ना गाइस सेबरतूत को जरूर से ढूंढेंगे भाई। हमको सेबरतूत तो चाहिए भाई, सेबरतूत हमारा जो मरा हुआ है उसको हम रिटर्न लेके रहेंगे। बाकी आपको मैं दिखाता हूँ इस मॉड के डायनोस की पावर, ठीक है, देखना चाहोगे? या तो उतने खतरनाक डायनोस नहीं घूम रहे अभी फिलहाल के लिए। ये देखना भाई, इनके नजदीक जाते ही हम लोग को पढ़ने लग जाता है ऐसे इफेक्ट एसिड, और ये इस तरीके से पेटी बन जाती है, ठीक है। तो ये वाले जो है ना क्यू प्लस वाले डायनोज, ये तो कुछ भी नहीं है, न्यूको वगैरह, फियर वगैरह, वो काफी खतरनाक डायनो थे। फियर से तो अभी मरा भी हूं मैं भाई, एक फियर से। तो ये काफी खतरनाक डायनोज है, इनसे आने वाले एपिसोड्स में जो है ना कि हम लोग इनकाउंटर करने वाले, और इनके बॉस वर्जन भी होते हैं, उनसे भी हम लोग आने वाले एपिसोड में फाइट करेंगे। काफी ज्यादा मजा आएगा गाइस, तो आने वाले जो एपिसोड होंगे ना वो मिस नहीं करना। और जो हमारा सेबरतूथ मरा है ना उसको मैं लाइव स्ट्रीम हमारी 2 बजे या 3 बजे शुरू होती है, 2 बजे से 3 बजे के बीच में कभी भी शुरू हो जाती है, तो उस लाइव स्ट्रीम में जरूर से ज्वाइन कर लेना गाइस, ठीक है, जरूर से ज्वाइन करना। डेली लाइव स्ट्रीम होती है और उस पर हमारा नए पीसी बिल्ड का ना एक गोल भी चल रहा है, अगर आप वहाँ पे कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो कर सकते हो, ये सर्वर मेंबर ओनली है। अगर आपको इस सर्वर में ज्वाइन करके खेलना है तो भी आप लोग खेल सकते हो। बाकी हमारी मिथिकल आर्मी जो है आपको कैसी लगी, सेबरतूथ भाई कैसे लगे नीचे कमेंट करके बता देना, एंड RIP सेबरतूथ जो मरा हुआ हमारा सेबरतूथ है उसके लिए जरूर लिख देना यार। इस फियर फियो में आकर ना मैं एक दिन जरूर मारूंगा जो उधर कहीं पे घूम रहा है। बाकी आज का एपिसोड होता है ये पे खत्म, मिलते अगले वीडियो में, बाय गाइस, सी यू लेटर। हाँ, और इन सब डायनोज के लिए बढ़िया से नाम नीचे कमेंट में जरूर डाल देना, हाँ ठीक है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय गाइस, सी यू लेटर एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, बाय बाय। बट इट्स टू लेट नाउ, आई रिमेंबर यू एंड मी एंड हाउ केयरलेस वी बी ऑल डे एंड ऑल नाइट, वी स्टे अप, इट फेल्ट सो राइट। We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up.